वेलकम टू द पुनीत फिटनेस गाइस। कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। तो गाइस जो आज का वर्कआउट है, बहुत टाइम बाद बड़ी वीडियो आ रही है। थोड़ा कुछ बीच में डिस्प्यूट वगैरह हो गया था, इससे क्या मैं बड़ी वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन जो अब वीडियो लेके आए हैं बहुत ही धमाकेदार है और पब्लिक डिमांड पे है। HIIT होता है क्या गाइस, और HIIT के मैं आपके बारे में बताऊँगा। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये, और इसके बारे में बात करेंगे, इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और कुछ एक्सरसाइज में बताऊँगा। होता है ये फैट बर्निंग का प्रोसेस ही है पूरा, लेकिन आपका इससे पूरा ओवरऑल बॉडी क्या होती है रिदम में आ जाती है और फैट रिडक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो आगे इसके बारे में बात करेंगे गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब HIIT है क्या? HIIT की जो फुल फॉर्म होती है गाइस, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसके बेनिफिट्स क्या है। सपोज आपको 8 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अपना वर्कआउट को क्या करना है, फिनिश करना है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन करें क्या कि आपका पूरा बॉडी वर्कआउट हो जाए। तो गाइस इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही कम इंटरवल में बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसके बेनिफिट्स इतने सारे के आप गिन भी सकते हैं, इसमें से 3 से 4 क्या है। एक तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, कैलरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर पाएंगे आपको। अगर किसी को बल्क करना है उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है ना गाइस। किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है आपको। तो ये 3 से 4 चीज़ें मैं बताई हूँ, और भी बहुत सारे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही है। कम समय में आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इन एक्सरसाइज के थ्रू। अब मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, आपको करना है क्या है, कम रेस्ट करना है और वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करना है। सपोज आपके पास 10 मिनट है, तो आपको 2 मिनट के रेस्ट में 8 मिनट का वर्कआउट करना है, समझ रहे हो। मतलब 10 में से 2 मिनट आपका रेस्ट हो गया और 8 मिनट का क्या हो गया, वर्कआउट हो गया। ऐसे ही 20 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट का रेस्ट कर सकते हो आप, 15 मिनट का क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो आपको ऐसे चलना है, HIIT का रूल यही है। तो ध्यान से देखिएगा, जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ उसको फोकस कीजिए। और अगर आपको महीने से या 1.5 महीने में अगर ये वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो भी आपका गोल है, ठीक है, बल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। स्ट्रेंथ मिलेगी तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा वेट पुश कर पाएंगे गाइस। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस मत करना, नहीं तो जो वीडियो है उसका आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपको एंड तक देखना है, बीच बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा, उसको जरूर फॉलो करना है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। HIIT का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें पुशअप्स और स्क्वाट्स दोनों का आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ वीडियो में चल रहा है। तो ये एक सर्किट पूरा होगा, आपको 4 सेट्स करने हैं, पुशअप्स और स्क्वाट्स का कॉम्बो बनाना है, फिर आपको 4 सेट्स करने हैं। डिपेंड करता है आपकी रेपिटेशन कितनी है, आप 10 बार भी रेपिटेशन कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपका स्टैमिना और स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। लेकिन आपको करने क्या है, पूरे 4 सेट्स करने हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे 10-10 के 4 सेट्स पुशअप्स के, 10-10 के 4 सेट स्क्वाट्स के, तभी इसमें मजा आएगा। उसके बाद क्या कीजिए, आप रेस्ट कीजिए 1 से 2 मिनट का, ठीक है, फिर अगले सर्किट पर जाइए गाइस, ठीक है। अब अगला सर्किट क्या है, लंजिस है, ठीक है, और माउंटेन क्लाइंब है। इसको भी सेम ऐसे ही परफॉर्म करना है गाइस आपको, 4-4 सेट्स करने हैं, ठीक है। 10-10 के कर सकते हैं, 12 के कर सकते हैं, 15 के, जिस हिसाब से आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ है। बिगिनर्स हैं तो 5 से 6 रेपिटेशन भी निकाल सकते हैं, और एडवांस और अच्छे लेवल पे जो वर्कआउट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं, हाई इंटेंसिटी तक इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन गाइस इस वर्कआउट का जो बेनिफिट है वो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपको कम टाइम में ही अच्छा वर्कआउट करने को मिल जाता है। आपको कहीं जाना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 10 से 15 सेकंड में अपना पूरा बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं पूरी बॉडी को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा भी होगा। आप अपने वर्कआउट के रूटीन में भी इसको डाल सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो उससे पहले कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, तो ऐसे कोई थकान नहीं आएगा, आपकी हार्ट की हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, स्टैमिना इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो फायदे ही फायदे का। सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कर देता है, और मेटाबॉलिज्म मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी का, उसको ग्रो करने का या उसको लीन करने का, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए इन एक्सरसाइज को और कवर कीजिए, साथ ही साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, ठीक, तभी आपकी क्या करेगी, बॉडी ग्रो करेगी और आप स्वस्थ रहेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।